आज आसमां से कुछ सितारे गुम हो गए, जो थे प्यारों से भी प्यारे गुम हो गए। अरे हर माँ रो रही है किसी और के लाल को, सब कह रहे हैं अतीक बच्चे हमारे गुम हो गए। नाजरीन, आज पूरे मुल्क में सानह APS के शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हैदराबाद के इलाके हैदर चौक, जो कि हैदराबाद का दिल जाना जाता है, शहदा APS को खराज अकीदत पेश करने के लिए शमाएं रोशन की गई। नाजरीन, यहाँ पे हैदराबाद यूथ अलाइंस, डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान और दीगर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस छोटी सी शमाएं रोशन करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। नाजरीन, इस मौके पर हैदराबाद की आवाम ने यह साबित किया कि हैदराबाद की आवाम आज भी उसी जोश के साथ मुल्क पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है, जिस जोश के साथ 16 दिसंबर 2014 को खड़ी थी। नाजीन, अब हमारे साथ मौजूद है हैदराबाद यूथ अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद आतिफ साहब, उनसे जानते हैं कि उनका क्या रद्द अमल रहा है आज के शमय जलाने के अंदर। सर, आपने किस जज्बे के साथ शहदा APS को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज इस तकरीब का इनेकाद किया? आज से 6 साल कबल 16 दिसंबर 2014 को जब दुश्मन ने हमारी मासूम कलियों को कुचलने की कोशिश की, तो आज बुनियादी जो जज्बा था हमारा अपने दुश्मन को ये पैगाम देना था, तुमने हमें दबाने की कोशिश की, लेकिन आज हम जिंदा हैं। हमारे शहदा ने जाने दी, लेकिन हमारा मुल्क आज पाकिस्तान अमन का गहवारा है। जब हमारा दुश्मन हमारा दूब मुकाबला नहीं कर सका, तो उसने हमारे बच्चों को मसलने की कोशिश की, तो दुश्मन के लिए पैगाम है। ये लगाने का मकसद भी यही है कि दुश्मन ये समझे, उसको पैगाम जाए कि हम अभी जिंदा हैं और पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। मुझे आप ये बताएं कि क्या पाकिस्तानियों में आज भी वो जज्बा मौजूद है जो उस दिन मौजूद था जब नन्ही कलियों को रोंदा गया था? बिल्कुल जी, जज्बा तो आप देख सकते हैं, ये हैदराबाद का दिल हैदर चौक है, यहाँ पर आवाम आपके सामने है, किस तरह किस अकीदत के साथ किस एहतराम के साथ आज हम निकले हैं उनको सलाम पेश करने के लिए। अकीदा जज्बा है तो दुबाला है आज। अजीन, अब हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान वाजिद साहब, उनसे जानते हैं उनकी राय। सर, किस जज्बे के साथ आपने आज इस शमे जलाने की तकरीब का इनेकाद किया? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन 16 दिसंबर का दिन जो है वो हमारे लिए एक ऐसा सानिया देकर गया हमारी कौम को, जिसको हम आज भी याद करते हैं तो हमारी आंखें के आंसुओं से भर के आती हैं। ये एक ऐसा सानिया है जिसमें पूरी इंसानियत शर्मा गई थी। आर्मी पब्लिक स्कूल पे 16-14 2014 में जो ये हादसा पेश आया था, वो जो शहदा थे वो तो शहीद हो गए, लेकिन एक वो शमा जला कर गए थे एक दहशतगर्दी के खिलाफ। वो एक ऐसा पैगाम हमें देकर गए कि कट के हम मर जाएंगे, लेकिन इन्हें दहशतगर्दों के आगे हम कभी झुकेंगे नहीं। तो इसी के साथ साथ आज भी ये जो हमारी ये कैंप जो हमने यहाँ पे मुनक्किद की थी, जिसमें हमारे हैदराबाद यूथ अलायंस और डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान के तावन से ये आज जो ये कैंप लगाई गई थी, इसमें ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये शमे जलाकर कि हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, चाहे हज़ारों ऐसे हमारे ऊपर अटैक किए जाएँ दहशतगर्दी के, लेकिन ये कौम जो है पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी कौम ऐसी है जो हमेशा गिर के फिर उससे ज़्यादा डबल उठती है। तो जैसा कि इकबाल ने भी फरमाया है कि गिर के उठना कुछ हमसे ही सीखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हादसा तो था एक हमारे लिए जिसने हमारे दिलों को उदास कर दिया था, लेकिन वो एक वक्ती तौर पे था। हम इस हादसे से ये सबक ज़रूर लेते सीखा है हमारे बच्चों ने, हमारे तलबा ने, कि हम अगर गिर रहे हैं तो उसके बाद जब उठते हैं तो और कामयाब होते हैं और ज़बरदस्त तरीके से हम उठते हैं।